करने जा रही महिला को छोड़कर रास्ता पड़ा भारी। नदी का रास्ता पार करते समय अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और महिला की मौत उसी समय हो गई। घटना ग्वालियर में मौजूद सरसोदा गांव की है। पुलिस और गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महिला की तलाश प्रारंभ कर दी। महिला का शव 1 किलोमीटर दूर डैम के पास तैरता दिखाई दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में भेजा और जांच को शुरू कर दिया। दरअसल यह घटना ग्वालियर में मौजूद सरसोदा गांव की है। वहां पर रहने वाली 42 वर्षीय बबीता रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। मंदिर जाने के लिए वह दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वह रास्ता लंबा होने के कारण वह शॉर्टकट रास्ते को अपनाया करती थी। बबीता रोज की तरह आज भी मंदिर में पूजा करने जा रही थी, लेकिन पानी का बहाव बहुत अधिक था। इस बात का बबीता ने ध्यान दिया। जैसे ही बबीता नदी को पार करने लगी, पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और पानी बबीता को अपने साथ बहकर ले गया। जब इस घटना का पता गांव वालों को चला तो उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर कॉल किया। पुलिस समय पर अपने दल के साथ पहुंची और ग्राम वासियों के साथ वहां पर रेस्क्यू प्रारंभ किया। लेकिन जब महिला का पता चला तो महिला की मौत हो चुकी थी। महिला का शव 1 किलोमीटर दूर डैम के पास तैरता दिखाई दिया। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया और उसके बाद अभी भी कार्रवाई जारी है। शर्मा निवासी सरसोद ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी सुबह मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची है। सूचना पर से ग्राम में पहुंचा तो महिला बबीता शर्मा नदी में एक पेड़ किनारे फंसी हुई थी, मतलब उनका शव फंसा हुआ था, जिसे नदी से निकालकर PM कराया गया है। शर्मा निवासी सरसोद ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी सुबह मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची है। सूचना पर से ग्राम में पहुंचा तो महिला बबीता शर्मा नदी में एक पेड़ किनारे फंसी हुई थी, मतलब उनका शव फंसा हुआ था, जिसे नदी से निकालकर PM कराया गया है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। शर्मा निवासी सरसोद ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी सुबह मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची है। सूचना पर से ग्राम में पहुंचा तो महिला बबीता शर्मा नदी में एक पेड़ किनारे फंसी हुई थी, मतलब उनका शव फंसा हुआ था, जिसे नदी से निकालकर PM कराया गया है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। शर्मा निवासी सरसोद ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी सुबह मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची है। सूचना पर से ग्राम में पहुंचा तो महिला बबीता शर्मा नदी में एक पेड़ किनारे फंसी हुई थी, मतलब उनका शव फंसा हुआ था, जिसे नदी से निकालकर PM कराया गया है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। शर्मा निवासी सरसोद ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी सुबह मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची है। सूचना पर से ग्राम में पहुंचा तो महिला बबीता शर्मा नदी में एक पेड़ किनारे फंसी हुई थी, मतलब उनका शव फंसा हुआ था, जिसे नदी से निकालकर PM कराया गया है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। शर्मा निवासी सरसोद ने थाना उपस्थित आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी सुबह मंदिर दर्शन के लिए गई हुई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची है। सूचना पर से ग्राम में पहुंचा तो महिला बबीता शर्मा नदी में एक पेड़ किनारे फंसी हुई थी, मतलब उनका शव फंसा हुआ था, जिसे नदी से निकालकर PM कराया गया।